हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर फोर, दैट इज़ हीट पार्ट फोर। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्टिविटी 4.5 से। अभी तक हमने दो थर्मोमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसके अलावा एक होता है जो वेदर के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो एक्टिविटी 4.5, लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपने क्या करना है, गर्म पानी लेना है। ध्यान रहे कि ज़्यादा उबलता हुआ नहीं, नॉर्मल गर्म पानी लेकर उसको बीकर में या फिर मग में डाल लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, आपने थर्मोमीटर को वाटर में डाल देना है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, फिगर 4.5 में, कि कैसे एक बीकर लिया गया है, उसमें उबलता हुआ पानी है और उसमें सीधा क्या खड़ा कर दिया गया है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। स्टडी वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। अब आप क्या देखोगे, जैसे ही यह है थर्मोमीटर डाला जाता है, जो मर्करी का लेवल है वो क्या करता है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता रहता है इस तरह से, और जहाँ तक टेम्परेचर होगा वहीं पर रुक जाएगा। और इस पर क्या आप देख रहे हो, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, तो एक्चुअली ये रीडिंग होती है, रीडिंग स्केल होता है। जहाँ तक ये रुकेगा तो वही टेम्परेचर काउंट किया जाएगा। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। अब आप थर्मोमीटर को बाहर निकाल लें और चेक करें कि क्या कितना टेम्परेचर चेंज, क्या टेम्परेचर में क्या चेंज आया है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ मर्करी बिगिन टू फॉल। और यह आपने ध्यान से करना है, केयरफुली, क्योंकि जैसे ही आप थर्मोमीटर को बाहर निकालोगे तो उसका जो लेवल है वो दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो आपको इसका मतलब यही है कि आपको पानी के अंदर जब आप थर्मोमीटर डालते हो तो तभी वहाँ पर उसका टेम्परेचर नोट डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज पानी से बाहर निकालते ही तो मर्करी लेवल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, जब आप जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो आपको मुंह में रखना पड़ता है और फटाफट से मुंह में से जब निकालते हो आप रीडिंग नोट डाउन करते हो। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप अपने बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए यूज़ कर सकते हो? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी बनावट क्या है, अलग अलग है। तो बनावट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस। तो एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम अपना बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। तो बच्चों, जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसमें से एकदम नीचे की तरफ मर्करी जाना शुरू क्यों नहीं करती है, एकदम ऊपर की तरफ? तो इसकी बनावट में इसका राज छिपा हुआ है। बच्चों, ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। तो ये किंक शब्द आप देख सकते हैं, इसी की वजह से मर्करी एकदम से ना तो नीचे की तरफ जाती है ना ऊपर की तरफ, यह सिर्फ होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर। तो आप किंक क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन, हम इन किंक को कॉन्स्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है, मतलब एक आप जैसे कोई सीधी नली है और वो सीधी जा रही है तो उसमें एकदम से ब्रेक आ जाते हैं, तो इस तरह से ब्रेकर की तरह ये जो उभार होता है इसे हम बोलते हैं किंक या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन। यह सिर्फ किस में अवेलेबल होता है, यह सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई भी किंक नहीं होता। आप देखोगे कि उसमें जो नली है वो सीधी जा रही है, उसमें कोई भी किंक नहीं होगा। तो जैसे ही आप टेम्परेचर अपनी बॉडी का मापना चाहोगे तो वह जो मर्करी है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन ना होने की वजह से एकदम से जो मर्करी है उसका लेवल एकदम से बढ़ भी जाएगा और घट भी जाएगा और वह बिल्कुल जीरो से शुरू करेगा। तो इस तरह से लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम नहीं यूज़ करते अपना टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए, और स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, किंक। आप ये देख सकते हो बल्ब, बल्ब में उभार, ये एक्चुअली क्या है, ये है किंक। ठीक है बच्चों, तो आजकल आपने देखे हैं कि डिजिटल थर्मोमीटर भी अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है, उसका कारण क्या है? देर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, मर्करी एक मेटल है सबसे पहली बात तो, यह एक धातु है, और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। लिक्विड मतलब बिल्कुल ही
तरल होती है, जबकि अदर मेटल्स जैसे आयरन है, लोहा है, वो आपने देखा है कि ठोस होता है, सॉलिड होता है, लेकिन ये अकेली ऐसी मेटल है जो क्या है, लिक्विड। एक तो इसकी खास बात ये है, दूसरा ये है कि मरकरी बहुत ही टॉक्सिक होती है, बहुत ही हानिकारक होती है, घातक होती है हमारे लिए। मरकरी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट इफ़ थर्मोमीटर ब्रेक्स। तो अगर मान लो थर्मोमीटर है, अगर वो टूट जाता है नीचे गिरने से और मरकरी हमारे हाथों के टच में आ जाए तो हमें स्किन कैंसर होने का भी खतरा रहता है। दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। तो यही कारण है आजकल जो थर्मोमीटर यूज किए जा रहे हैं वो डिजिटल हैं, तो वहाँ पर मरकरी का कोई भी यूज़ नहीं है। ठीक है बच्चों, यह आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल थर्मोमीटर आजकल क्यों यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें मरकरी नहीं होती। और मरकरी क्या है, मरकरी एक मेटल है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, अब हमने पढ़ना है कि हीट भी क्या करती है, ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। तो आपने देखा है कि जब आप कोई भी बर्तन अगर आप रखते हो तो गैस के ऊपर, तो वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है और गर्म होते हुए बिल्कुल एंड तक गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज दैट हीट पासिस फ्रॉम फ्लेम टू द यूटेंसिल। तो हीट क्या करती है, फ्लेम से जो आग की लपटें हैं वहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, बर्तन के अंदर। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। तो जैसे ही आप पैन को, फ्राइंग पैन को, बर्तन को अगर फ्लेम से दूर करते हैं तो वह ठंडा होने में भी बहुत टाइम लेता है। व्हाई डज इट कूल डाउन, यह ठंडा क्यों होता है एक्चुअल में, वो गर्म ही क्यों नहीं रहता। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। अब जो गर्म बर्तन है उसकी हीट कहाँ चली गई, उसकी हीट चली गई सराउंडिंग में। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है कि हीट कहाँ जाती है, हीट जाती है बिल्कुल गर्म ऑब्जेक्ट से होते हुए कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। इन फैक्ट इन ऑल केसेज हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो बच्चों आगे हमने इसके बारे में पढ़ना है। पहली क्या कहती है, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज द सेम। क्या हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी अगर दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसका टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। तो क्योंकि हमने तो यह पढ़ा है कि जो हीट है वो हमेशा हॉटर टू कोल्डर की तरफ जाती है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ तो वह नहीं, वह अपने सराउंडिंग मीडियम में चली जाएगी, जहाँ पर हमेशा क्या है, हीट हमेशा कोल्ड, सॉरी हॉट से हमेशा कहाँ जाती है, कोल्ड की तरफ। ठीक है, कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। इसका उदाहरण मैं आपको चलो देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक पतीला या फिर फ्राइंग पैन किस पर रख दिया है, गैस के ऊपर, उस पर क्या लग रही है, फ्लेम। तो आप क्या करते हो, कड़छी डालते हो। ठीक है, अगर कड़छी को दो मिनट आप पैन के अंदर या फिर पतीली के अंदर रखते हो तो आप क्या देखते हो, पहले तो पतीला गर्म होता है, फिर धीरे धीरे जो हीट है वो कहाँ पर पहुँच जाती है, आपकी जो कड़छी होती है वहाँ तक। इसका मतलब हीट कहाँ ट्रांसफ़र हुई, वो पहले तो यहाँ फ्लेम से आई कहाँ पर, पतीले में, जो कि उस टाइम क्या था, कोल्ड, पर अब ये हॉट हो चुका है। अब हॉट से जब हम चम्मच डालेंगे तो चम्मच क्या है, कोल्ड, तो हीट यहाँ से हॉट ऑब्जेक्ट से कहाँ जाएगी, कोल्ड की तरफ। तो इस तरह से चम्मच भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, टेक एक्टिविटी 4.6, टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। आपने क्या करना है, एक मेटल लेनी है, धातु लेनी है, जो किसकी बनी है, लोहे की या एल्यूमिनियम की। फिक्स फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड, दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेज। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आपने एक ऐसा लंबी लोहे की पत्ती ले लेनी है और उस पर आपने मोमबत्ती जलाकर थोड़ा थोड़ा जो मोम होता है, वैक्स होता है, उसको गिरा देना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस पे। तो इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स। और इस लोहे की पत्ती को आपने किसके बीच में रख देना है, दो ईंटों के बीच में, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी रहे हैं, और ऑब्जर्व करना है। ठीक है, व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेस, डू द दिस पीसेस बिगिन टू फॉल। एक तरफ आपने मोमबत्ती जला देनी है तो क्या होगा, धातु जैसे ही गर्म होगी तो हीट क्या करेगी, यहाँ पे देखो हीट ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर ठंडा है ये, तो हीट क्या करेगी, हॉटर ऑब्जेक्ट्स से कहाँ जाएगी, कोल्डर ऑब्जेक्ट्स की तरफ। जैसे जैसे हीट आगे की तरफ होती जाएगी तो ये जो मोम हमने डाला हुआ था वो पिघलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से यह एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि जब हीट क्या करती है, हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कहाँ जाती है, कोल्डर ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ठीक है बच्चों,
तो डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड द प्रोसेस. अब यह इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से पढ़िएगा. द प्रोसेस बाई विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. तो बेसिकली सॉलिड्स के अंदर, ठोस वस्तुओं के अंदर हमें कौन सी जो फिनोमेना दिखता है हीट ट्रांसफ़र का, दैट इज़ कंडक्शन. कंडक्शन में क्या होता है कि हॉटर ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफ़र करती है कोल्डर की तरफ, और बेसिकली ये कहाँ पर होता है, सॉलिड्स में. इसका उदाहरण क्या है, सॉलिड्स. जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. तो जनरली हम देखते हैं कि सॉलिड वस्तुओं में हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के जरिए. तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कंडक्शन ऑफ हीट बाई डिफरेंट मटीरियल्स. ठीक है बच्चों, डू ऑल सब्सटांसेस कंडक्ट हीट इजिली. क्या सभी सब्सटांस जो सॉलिड होते हैं वो हीट को इजिली कंडक्ट कर सकते हैं. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल. कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट. तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आपका पतीला होता है, पतीले की जो पीछे की तरफ एक डंडी निकली होती है, उस पे ना एक प्लास्टिक का कवर होता है. ठीक है, अगर आप वो प्लास्टिक का कवर ना हो और सीधा उसको लोहे की जो डंडी है उसको एज इट इज़ पकड़ोगे तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा. तो बेसिकली ये जो प्लास्टिक का कवर होता है ये क्या करता है, आपको जो पतीला है जो गर्म है उसकी जो गर्माहट है उसको आपके हाथ तक जाने से रोकता है. कौन रोकता है, प्लास्टिक. इसका मतलब प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एक्टिविटी 4.7. हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बिकर कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून प्लास्टिक स्केल पेंसिल एंड डिवाइडर. तो आपने कुछ प्लास्टिक का सामान लेना है, कुछ स्टील का सामान लेना है, कुछ जैसे कि स्पून, एल्यूमिनियम जो आपका है, स्पून चम्मच लेना है. टिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन हॉट वाटर. आपने हर एक आर्टिकल को गर्म उबलते पानी में एक साइड से डाल दे रहना है. वेट फॉर अ फ्यू विनर्स टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन. तो आपने यह पेरेंट्स की प्रेजेंस में या बड़ों की प्रेजेंस में करना है. स्टील स्पून मेटल की बनी है तो क्या होगा, डज द अदर एंड गेट हॉट. यस, अगर आप चम्मच को किसी उबलते पानी में डालेंगे तो धीरे धीरे चम्मच का जो किनारा है जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है वो भी गर्म हो जाएगा. इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आप लेकर इसको परफॉर्म कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक टर्म निकल कर आई है, कंडक्टर्स क्या होते हैं. द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कोल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम आयरन एंड कॉपर. तो बच्चों यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो जाए तो उन्हें कहा जाता है कंडक्टर. जैसे उदाहरण के रूप में आयरन धातु, एल्यूमिनियम, कॉपर. द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट एड टू पास थ्रू दैम इजिली आर पोअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड एंड पोअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर. तो बच्चों जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती वो पोअर कंडक्टर होते हैं, या फिर पोअर कंडक्टर कहने की जगह हम उनके लिए एक टर्म यूज़ करेंगे, इंसुलेटर. तो इंसुलेटर के उदाहरण कौन से हैं, प्लास्टिक हो गया, वुड होगी. तो बच्चों एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर में अंतर बताएं. ठीक है बच्चों, अब आपने कंडक्टर्स और इंसुलेटर का यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से रीड करना है. इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स के एग्जांपल. द वाटर एंड एयर आर पुअर ही कंडक्टर ऑफ हीट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पुअर कंडक्टर कौन से हैं, वाटर एंड एयर. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दिस सब्सटेंसेस. तो कैसे इनमें हीट ट्रांसफ़र होती है यह हम एक्टिविटी 4 पॉइंट से आगे पढ़ेंगे. तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.